भाजपा कार्यकर्ता पंडित भगवानी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अभी दूर है, मगर शहर में सियासी हलचल जोरों पर है। एक तरफ कांग्रेस ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप चलाए हुए हैं, वहीं भाजपा बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को खुश करने में लगी है। परंतु भाजपा की कार्यप्रणाली से नाराज होकर वर्षों तक पार्टी में सच्ची लगन और निष्ठा से काम करने वाले भाजपा कार्यकर्ता पंडित विशाल शर्मा ने आज अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि पिछले पार्षदों के चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पंडित विशाल ने निर्दलीय चुनाव लड़कर दिग्गज पार्टी को बड़ा झटका दिया। तभी से नाराज पंडित विशाल आज सुबह बापू नगर से ढोल नगाड़ों के साथ प्रेरक भगत, वैष्णव वार्ड अध्यक्ष और सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां लोकसभा पर्यवेक्षक नीरज शर्मा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी की मौजूदगी में अपने 21 समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेमसिंह शेखावत की सहमति से कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष योगेश सोनी ने पंडित विशाल को शहर सेवा दल अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी। भीलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। परिवर्तन हुआ और आज कांग्रेस बहुत खुशी की बात है। हमारे भाई विशाल पंडित जी ने एक सही और सुलझा हुआ निर्णय लिया, वक्त पे निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात होती है वक्त। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो राजस्थान सरकार ने कार्य करे हैं और अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने सबको एक आंख से देखा। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा हैं, भविष्य है हमारा कल का, इनको अपना भविष्य नजर आ रहा है कि तीन तीन बार से यहाँ भले ही दूसरे दल का विधायक था, फिर भी गहलोत जी ने एक कलम से 2500 करोड़ रुपए चंबल के पानी के भीलवाड़ा को दिए। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कसम से दावे से कह सकता हूँ, कभी बचपन में नहीं सोचा होगा किसी ने कि चंबल नदी का पानी भीलवाड़ा में आएगा और उसका पानी हम पियेंगे। आज भीलवाड़ा के घर घर में चंबल नदी का पानी आ रहा है और बहुत बढ़िया निर्णय लिया है भाई ने। हम खुश हैं, भाई की पूरी टीम हमारे साथ आई है। और मैं एक बात कह सकता हूँ आपसे कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और भाई ने बहुत बड़े दिल की बात बोली, अच्छी बात बोली कि भीलवाड़ा की जनता अब परिवर्तन चाहती है। अब भीलवाड़ा की जनता ये मन बना चुकी है कि हमें भाजपा के कुशासन के चक्कर में नहीं पड़ना, हमारे लिए भाजपा के लोग सही नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी की नीति ठीक है, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के लोग ठीक हैं। अब लोगों को रह रहे के कांग्रेस की याद आ रही है, कांग्रेस की नीतियों की याद आ रही है। और अभी आप देखना भीलवाड़ा के अंदर ऐसी लहर आपको हर वार्ड स्तर पे देखने को मिलेगी। थैंक यू।